Next topic, gold leaf microscope. Gold leaf देखो स्टूडेंट्स, ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये काम आता है टू डिटेक्ट चार्ज। यानी कि चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए अपन जो काम में लेते हैं ना डिवाइस, उस डिवाइस को अपन क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं। तो इसके सबसे पहले तो अपन कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसमें कैसे। तो इसमें ना सिंपल एक है ना बोतल वगैरह होती है कांच की बनी हुई इस तरीके से, इस तरीके से कांच की बोतल होती है। और इस बोतल में यहाँ पे एक रबड़ के कोई स्टॉपर वगैरह होता है वो फंसाया होता है, और इस रबड़ के स्टॉपर में यहाँ से एक मेटल की रोड जो है वो अंदर की ओर डाली हुई होती है, मेटल रोड। ये मेटल रोड का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जैसे गुंडी टाइप में होता है, नोक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नोक, इसको अपन नोक बोलेंगे। और ये रबड़ की बोतल होगी, ये यहाँ पर रबड़ स्टॉपर। ये होगा आपका रबड़ स्टॉपर। रबर स्टॉपर अपन इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ना ये जो रोड है ना मेटल की, रोड मेटल रोड है, ये जो मेटल की रोड है ताकि ये इसके अंदर फंसी हुई रहे, ताकि नीचे की ओर गिरे नहीं। अच्छा, इसके नीचे के साइड में ना दो गोल्ड लीफ लगी हुई, गोल्ड लीफ यानी कि गोल्ड जो होता है ना, सोना गोल्ड होता है, मेटल का होता है, गोल्ड भी मेटल होता है, उसको ना एकदम पीट पीट के एकदम पतला चपड़ा बना देते हैं उसको, एकदम पतली चपड़ी टाइप में, एक पतली पत्ती टाइप में। तो ये दो यहाँ पे, ये दोनों ही ना गोल्ड लीफ होती है, ये भी और ये भी, और ये दोनों इसके साथ अटैच की हुई होती है। और ये अपनी कांच की बोतल हुई थी, कांच की इसलिए लेते हैं क्योंकि अंदर वो क्या है वो दिखे, वरना अंदर क्या चल रहा है अपने पता नहीं चलेगा। अब मान लो यहाँ से ना कोई पॉजिटिव चार्ज रोड लेके, अब रोड चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और पता नहीं ये इस पे चार्ज है या नहीं, एक बार के लिए मान लेते बाई चांस इस पे चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई चार्ज। तो जैसे हम इसको ना यहाँ से टच करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, मेटल रोड पे। और आपको मैंने बताया था कि चार्ज है वो मेटल पर कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है सारी सर्फेस पर, यानी कि इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज चल के यहाँ जाएगा, और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज इन गोल्ड लीफ पे भी चला जाएगा। अब आप दिमाग लगाओ कि इस ये वाली और ये वाली, ये जो दोनों गोल्ड लीफ है इन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्सन के कारण ये जो पत्तियाँ हैं ना यहाँ पे लगी हुई इस तरीके से, ये मान लो इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ इस पर भी पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, ये ऐसे चौड़ी हो जाएगी, यानी ये वाली ऐसे चौड़ी हो जाएगी। जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतना ही ज़्यादा क्या आएगा इस पर चार्ज आएगा। तो मतलब इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस होना, ये डाइवर्जेंस एंगल बोलते हैं। डाइवर्जेंस एंगल, तो जितना ज्यादा डाइवर्जेंस एंगल होगा उतना ही ज्यादा चार्ज बन जाएगा। अब चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो भी ये इस तरीके से होगा, नेगेटिव आ रहा है तो भी इस तरीके से, ये यहाँ मतलब ये चौड़ी हो जाएगी, जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतना ही ज्यादा क्या आएगा इसकी चार्ज। तो ये है अपना स्टूडेंट्स गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।